देश और अपने प्रदेश से जुड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें एएनटी नेशनल। नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। बने रहिए हमारे साथ देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं एएनटी। ये सुनील कौन सा है जी? और इनसे हमारे को दो तो पिस्टल बरामद हुए, दो इनसे कट्टे बरामद हुए हैं और इसे 14 राउंड बरामद हुए हैं, जिसमें से 11 32 बोर के हैं और 3 दूसरे राउंड खोल राउंड बरामद हुए हमारे को। और जब इनकी इंटरोगेशन की है तो अभी जो प्राइमरी इनसे इंटरोगेशन है उसमें इन्होंने 2 बैंक रोबरी इन्होंने कबूल की है। एक हमारे पेटवाड़ में हुई थी बैंक में, वो इन्होंने एक रोबरी कबूल की है। दूसरी जो सोनीपत में जींद में लिजवाना गांव में बैंक रोबरी हुई थी, ये दोनों वारदातें इन्होंने कबूल की। सर जींद में कितनी और पेटवाड़ में कितनी? जो जींद में हुई थी वो लगभग 82,000 रुपये की थी और जो हमारे यहाँ हुई थी वो 2,42,020 रुपये की थी। 2,47,020 रुपये की थी। सर इनसे अलग भी मतलब कहीं इन्होंने मतलब कबूला है क्या किया पहले? अभी क्योंकि थोड़ा टाइम हुआ अरेस्ट किए हुए, अब तक इन्होंने ये वारदातें कबूल की हैं। आज इनको पेश करके इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और उसके बाद उम्मीद है कि और भी कोई वारदातें खुल सकती हैं। इसमें फिर कहाँ के रहने वाले हैं ये? ये इसमें 3 लड़के तो खेड़ी रांगना है वहाँ के रहने वाले हैं और एक लड़का जो है मेन सुनील वो जींद में जुलाना जींद का रहने वाला है। खेड़ी रांगना बास थाने में। तो सर इनका चारों का संपर्क कैसे हुआ है, दोस्त हैं या पहले से क्या? जो लोकल हैं जो खेड़ी रांगनर के लड़के हैं ये एक दूसरे को जानता था और एक लड़का उनमें से उस सुनील को जानता था जो राणा के रहने वाले। आपराधिक रिपोर्ट रहा है सर पहले भी? नहीं, इससे पहले अभी ये कभी नहीं पकड़े गए ना इनका कोई रिपोर्ट रहा है। और जो सुनील को छोड़कर जो बाकी 2 लड़के हैं, तो कुछ लड़के तो छोटी उम्र के 18-19 साल के ही हैं 2 लड़के, तो उसमें नाबालिग कोई नहीं है अभी एज का, उनका सर्टिफिकेट हमारे पास कोई नहीं है लेकिन उनके हिसाब से 18-19 साल के हैं। उन्होंने पहले रैकी की थी पहले पंजाब घटना को अंजाम देने से पहले? इन्होंने बैंक लूटने की योजनाएं बना रखी थी कि हम बैंक ही लूटेंगे। इनमें जो मेन लड़का है सुनील है वो एमए पढ़ता है, उसने इनको अपने पास रोहतक भी रखा और वहीं से वही असला इनको प्रोवाइड कराता था जो अब तक की इन्फॉर्मेशन हमारे। ये एम डी यू में रोहतक पढ़ रहा है? हाँ जी। बाकी जो है वो भी स्टूडेंट है? नहीं, इसमें से जो एक लड़का है वो तो 7th पास ही है सिर्फ, और जो एक लड़का और है वो भी एमए है और जो तीसरा लड़का है उसकी क्लास में। यानी मेन ब्रेन वॉश करने वाला सुनील है? सुनील है, वही मेन है जिसने असला मंगाया और इनको वारदात के लिए कहा और करीबी साथ में। तो सर कुछ बरामदगी हो पाई है? नकदी अब हम रिमांड लेके सारा कुछ बरामद करेंगे क्योंकि जो मोटरसाइकिल यूज़ हुई है वो भी अभी नहीं पकड़ी गई है क्योंकि ये रात को तो कार में पकड़े गए हैं। जो सुनील है उसी की अपनी कार है वो, उसी में से सारा कुछ पकड़ा गया। ये है पेटवाड़ से माजरा। क्या लूट के बाद पैसों से क्या करना चाहते थे, कुछ बताया इन्होंने? अभी तो जो लड़के हैं बता रहे हैं कि सारे पैसे सुनील ही अपने पास रख लेता था कि वारदात इकट्ठे करके पैसा इकट्ठा करके फिर बांटेंगे। हम थोड़े ही पैसे इनको दिए, ज़्यादा पैसे रांगड़न सोनू उर्फ राजू पुत्र धर्मपाल धानक वासी खेड़ा रांगड़न, मोहम्मद सलीम पुत्र अमीर उल हुसैन जाति मुसलमान खेड़ा रांगड़न। एक तो सुनील है जो ज़्यादा पढ़ा हुआ, दूसरा जो ये मुस्लिम लड़का है ये भी काफ़ी पढ़ा हुआ। सर 18-19 साल की कौन है? ये सौरभ और सोनू ये छोटी उम्र के लड़के हैं। ये मामला CID टीम हासी के पास था, इन्होंने ही पकड़ा? नहीं, अभी तो नॉर्मल में थाना था लेकिन हमारी क्योंकि सारी टीमें लगी रहती हैं कि जिसको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी हिसाब से आके काम करते हैं। कामयाबी हमारे इसमें CID की टीम ने की, हासी CID ने की। हासी CID कैसे ये हम सूत्र नहीं बताएंगे, हमारी इन्फॉर्मेशन ही है, इन्फॉर्मेशन के बेस पे पकड़े जाते हैं।
इन्फॉर्मेशन मिली तभी रात को इनको कैच किया गया। नहीं, मोबाइल ट्रेसिंग का इसमें कोई रोल नहीं, मुखबिर को दाब है, ये सब इन्फॉर्मेशन अभी स्टार्ट हुआ है काम, अभी सारी इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद ही सारा पता चलेगा। आप देख रहे हैं ANT नेशनल, खबर वही जो हो सही।